जय द्वारकाधीश। सो गाइस मॉर्निंग के अभी 8 बज गए हैं और सुबह 6:30 बजे यहाँ पे आरती होती है। हम गए थे आरती के लिए बट बहुत बहुत रश था एंड मैं फ़ोन नहीं ले गई, कैमरा नहीं ले गई, सब सबमिट करना रहता है, तो हम होटल के रूम में ही छोड़ के गए थे। तो अभी नाश्ता वगैरह सब बाकी है, हमको अभी निकलना है, हमारी बस आ गई है। सो लेट्स सी अभी हम कितने बजे निकलते हैं। तो गाइज ये देखो सामने है चौक, चौक से सीधा जाएंगे, आगे जाएंगे तो राइट साइड में मंदिर आएगा, जय द्वारकाधीश। चलो बैठो बैठो फटाफट। तो गाइस हम लोग अभी आ गए हैं रुक्मणी मंदिर, आप पीछे देख सकते हैं। द्वारका मंदिर से कुछ 15-20 मिनट ही लगा हमको आने के लिए यहाँ पर, और यहाँ पे लगभग कैमरा वगैरह अलाउड है क्योंकि हमने गाड़ी में तो अभी तक नहीं रखा है फ़ोन और कैमरा, और मैंने ड्राइवर से भी पूछा तो उन्होंने बोला अलाउड है। तुम्हारा ब्लॉग बना। हाय गाइस मैं आपको ब्लॉग, आज मैं मंदिर में आया हूँ, तो मैं आता हूँ आया हूँ। हाँ अभी मैं थक गया हूँ। थक गया नहीं। सो गाइस आप मूर्ति देखिए, ये मंदिर 2500 साल पुराना है, पर देखो वो टाइम पे भी ऐसी कार्विंग होती थी, ऐसा क्रिएशन होता था। सो गाइस दर्शन हो गया है, पीछे आप मंदिर देख सकते हैं, वापस आपको दर्शन करवा देती हूँ। अभी एक मैं जो क्लिपिंग अटैच करूँगी ना, आप वो बहुत ध्यान से सुनना, शायद इस मंदिर का डिटेल्स अगर मैं अपने वर्ड्स में आपसे शेयर करती तो उतना रियल नहीं लगता, बट अभी जो क्लिपिंग अटैच करूँगी वो ध्यान से सुनो। थोड़ा सा साउंड पोल्यूशन हो गया है बट प्लीज़ 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 आप ध्यान से सुनना, ये मंदिर की पूरी हिस्ट्री है। 2500 साल पुराना ये मंदिर है गाइस, और बहुत अच्छे से दर्शन हो गया और अभी हमको सब डांट भी रहे हैं। फटाफट अभी हम ट्रैवलर में बैठेंगे क्योंकि दूसरी जगह पे भी जाना है। क्या हुआ होने के बावजूद द्वारकाधीश थे शादी करके यहाँ पे आते हैं तो अपने कुल के गुरु दुर्वासा देवी को भोजन का नेता देने जाते हैं, तो गुरु महाराज बोलते हैं यहाँ दोनों पति पत्नी इस रथ में आए हो, उस रथ में भोले रथ को सवार हुए हैं, जिनकी हम सवारी नहीं करते, क्षत्रिय लोग राजा लोग सवारी करते, हम ब्राह्मण हैं, अगर आपको हमें भोजन के लिए जाना है तो दोनों पति पत्नी कृष्ण रूपमणी स्वयं रथ को सीख कर ले जाओ, हम भोजन के लिए बता देंगे। गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों पति पत्नी रथ में जुट जाते हैं और रथ को खींच कर द्वारका ले जाने लगते हैं। आगे मार्ग पर बीच रास्ते पर जब रथ पहुंचता है तो रुक्मणी माता जी को पानी की प्यास लगती है, भगवान द्वारकाधीश से बोलती है नाथ अब मेरा गला सूख कर कंठ व्याकुल है, पानी पीना है, रथ आगे खींचा नहीं जाता। भगवान द्वारकानाथ ने अपने दाहिने पैर का अंगूठा का जमीन में लगाया और चरणों में से गंगा जी को निकाला, तो हाल में भी केवल गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे गांव है कुकड़ी, वहाँ पे चरण गंगा हाल में भी मौजूद है। दोनों पति पत्नी ने गंगा जल पी लिया, गलती इतना हो गया कि पीछे बिराजे हुए गुरु महाराज को पूछना भूल गए, उनको आग्रह करना भूल गए, दुर्वासा जी क्रोधित होकर उठ गए, क्रोध के आवेश में आ गए, कृष्ण रुक्मणी और द्वारका नगरी को दो श्राप दे दिए। पहला श्राप कृष्ण रुक्मणी को दिया कि आपने हमें भोजन के लिए बुलाया, भोजन नहीं कराया, आपकी कैसी मेहमान नवाजी है, मैं श्राप देता हूँ कि आप दोनों पति पत्नी का 12 साल का वियोग हो जाएगा, 12 साल तक दोनों पति पत्नी अलग रहोगे, इसलिए भगवान द्वारकाधीश का मंदिर वहाँ गाँव में, माता रुक्मणी जी का मंदिर यहाँ गाँव के बाहर जंगल में। दूसरा श्राप कृष्ण भगवान और द्वारका नगरी को दिया कि आपने हमें भोजन के लिए बुलाया, भोजन नहीं कराया, पानी नहीं दिलाया, उससे पूछे बिना भी उन्होंने पानी पी लिया, श्राप देता हूँ आपकी सोने की द्वारका में हर चीज मिलेगा, बस पीने के लिए मीठा योग्य पानी नहीं मिलेगा। हाल में भी दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ये भूमि में कहीं पे भी कुआ करो, ढक्की करो, गोली करो, हैंडपंप लगाओ, कहीं पे भी मीठा पीने का पानी निकलता नहीं, हर जगह का पानी खारा नमकीन हो गया है। यहाँ आने वाले यात्री बस दो कार्य करते हैं, पहला माता रानी का दर्शन जिसके लिए आप सब लोग पधारे हैं, दूसरा यहाँ से नीचे उतरेंगे तो वहाँ पर सीधे हाथ पे माता जी के नाम का पानी का प्याऊ चलता है, सारे यात्री वहाँ पे जाना, रुक्मणी माता भगवान श्री कृष्ण का प्रताप समझ के गंगा जल समझ के वहाँ से पानी पीना, आपके घर में परिवार में कुटुंब में कोई भी व्यक्ति मर गया हो, गुजर गया, शांत हो गया हो, समस्त परिवार पितृ कल्याण के लिए जल का दान होता है, जल की सेवा होती है, यहाँ पे जल का ही दान क्यों होता है, तो जब रुक्मणी माता और भगवान श्री कृष्ण के वियोग को 12 साल पूर्ण होते हैं, 12 साल बाद दोनों पति पत्नी गुरु माता ऋषि का पूजन करते हैं, भगवान उनको अपने सिंहासन पे स्थान देते हैं, उनके चरण धोकर उनसे माफी मांगते हैं कि गुरु महाराज जी हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। गुरु आशा ऋषि भगवान को आशीर्वाद देकर रुक्मणी माता जी को वरदान देते हैं, मैंने आपको श्राप दिया, अब मैं ही आपको वरदान देता हूँ कि आपके मंदिर में जो भी यात्री जो भी भक्त जल का दान पानी का दान करेंगे
उनके चरण पितरु सात पीढ़ी के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये मेरा वरदान है। अरे यात्री यहाँ से नीचे उतर के पानी के प्याव से पानी पीना। इसके बाजू में रुक्मणी माता जी ने भगवान लिखा हुआ पत्र है, जो दुनिया का सबसे पीला पत्र माना जाता है। वो अगर किसी यात्री को लेना हो तो पानी के प्याव के बाजू में से मिलेगा। उसको घर में रखने से ऋषि बढ़ता है, सारी मटकी मनोकामना पूर्ण होती है, लक्ष्मी जी का वास होता है। काल के बाद में पत्र पढ़ने का महीना है, पहले दर्शन करेंगे, फिर जल का दान करेंगे, यहाँ नीचे उतर के पानी लेंगे, पत्र लेंगे और मंदिर का पूरी परिक्रमा करेंगे। बोलिए रुक्मणी माता की जय। क्या हुआ? मैं खिला रहा था उसको, उसका पूरा खिला रही थी ना, मुझे क्या पता। मार जान, जाओ बच्चे सब खिला दो, जाओ कन्ना जा बड़ा। अरे वो नहीं, वो कोई मारेगी नहीं। अरे चले, क्या किया उसने, क्या किया? ओ भाई, अरे वो खिला रहा था ना, तो वो एंडिंग से नहीं खिला रहा, तो बीच से खिला रहा। अच्छा, तो गाय उसके ऊपर झपट्टा मारना है, वो भाग गया। चलो 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 चलो, अब फाइनली अभी कहाँ जा रहे जीजू? अभी हम लोग जा रहे हैं बेट द्वारिका। बेट द्वारिका बिल्कुल बंद चाहिए तेरा, तो चिल्लाना मत। दीदी एंट्री कैसी लगी? नो वर्ड, स्पीचलेस। दीदी रूम अच्छा एक्सपीरियंस है ना? अच्छा लग रहा। या सो यहाँ पे बहुत भीड़ है, इतनी पब्लिक अभी ब्रिज पे चल रही है और पीछे। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं बेट द्वारका। बेट द्वारका जाने के लिए हमको पहले ओखा आना पड़ा है, ओखा से फिर बोट मिलती है, जेटी है, प्राइवेट बोट है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा कहा जाता है जो मेन द्वारका है वो तो पानी के अंदर है और बेट द्वारका मेन द्वारका है। तो ये सभी यहाँ से बोट करेंगे, बोट का क्या चार्जेस है वो सब मैं आपको बताती हूँ। और आज के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। मिला जगह जो, आओ इधर, आओ इधर, बाकी किधर रह गए? दीदी बस कर बस कर, बेचारी थक गई तनीषा। इनका फोटो सेशन ही नहीं खत्म होता। दी तूने मेरे साथ एक भी फोटो नहीं खींचा। अच्छा है, तूने मेरे साथ एक भी फोटो नहीं लिया। मूवी की कवर चला जा, फोटो ताशु के फोन में लेना है। बेचारा पार्क का उन्होंने फोटो ही नहीं लिया। पार्क स्माइल। बोलो द्वारकाधीश की जय। सो गाइस अब बेट द्वारका आएंगे ना तो यहाँ से मोती जरूर लेना, ओरिजिनल मोती मिलते हैं। और हमने ये भैया से यहाँ पे मोती लिए। भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे? अरे बोलिए, कुछ नहीं बोलना। मोती है, क्या मोती है ना, यहाँ पे देखिए इतनी सारी वैरायटी है। और हमने ये वाला पर्ल लिया है जो हमको 8 रुपए का एक मोती पड़ा है, और ये 5-5 रुपए का है स्टोन्स। और ये पर्ल है 3 साइज के हैं, और रास्ते में पड़ेगा इनका ये छोटा सा शॉप, तो जरूर आइएगा यहाँ पे। गाइस हमको यहाँ पे ना आकर बेट द्वारका की स्टोरी पता चली है, वो सब मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, बट मैं आपको बताऊंगी जितना मुझे याद रहेगा लास्ट मोमेंट पे। वीडियो खत्म होते होते मैं बता दूंगी सारी आपको स्टोरी क्या है बेट द्वारका की। और बहुत अच्छा लग रहा है, अभी यहाँ से हम जाने वाले हैं नागेश्वर मंदिर, वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग है, उनके दर्शन करेंगे। अंदर बहुत जगह पे ना वीडियोज अलाउड ही नहीं है, फोन है ना हमको मंदिर से 100 मीटर दूरी हमको सबमिट करना पड़ दे रहा है, तो कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। एंड आप यहाँ पे बेट द्वारका जब आएंगे ना तो एक गोल्डन बेट द्वारका बनाइए, थोड़ा सा मंदिर से दूर है, चल के जाना पड़ता है, 2 मिनट ही वॉकिंग है। और गोल्डन द्वारका ज़रूर विज़िट करना, 40 रुपीज़ टिकट है पर पर्सन। और वहाँ पे जब आप जाओगे ना तो कृष्ण भगवान का सारा अवतार, जन्म से लेकर उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में उनके सारे अवतार सबके ना ऐसे स्टैचूज़ बनाए, स्टोरी के थ्रू आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, अभी बोट में बैठेंगे, फिर वापस हमारी गाड़ी की तरफ जाएंगे
और फिर वहां से जाएंगे नागेश्वर मंदिर। गाइस 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो द्वारका में है और अभी हम आए नागेश्वर। यहाँ पे ये माना जाता है, ये प्रथा है कि नाग नागिन के जोड़े को चढ़ाना चाहिए। ये देखिए, आप थाली लेंगे तो अंदर जाके आपको अभिषेक करने भी मिलेगा और यहाँ पे ये मंदिर की स्टोरी भी है, आप पढ़ सकते हैं। गीता दी, इसी का ना एक है ना ये बना चला गया। अच्छा हाँ गीता दी, चाय नहीं पीना? चाय चाय। सो गाइस अभी हम लोग ने हाईवे पे ढाबा है और यहाँ पे टी का ब्रेक लिया है। द्वारका से सोमनाथ 4 से 5 घंटा लग जाता है पहुँचने के लिए और अभी भी हम लोग का 1.5 घंटे का डिस्टेंस रह गया है बाकी, तो वो भी फटाफट कवर हो जाएगा। एंड गाइस गुजरात में ना 2 ज्योतिर्लिंग है, एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा है सोमनाथ। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का तो दर्शन हो गया है, अभी हम जाएंगे सोमनाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो लेट्स सी अभी रात को हो पाएगा कि नहीं वो पता नहीं, क्योंकि कितने बजे हम पहुंचेंगे, मंदिर कब बंद होता है, वो सारा चीज़ उस पर डिपेंड है। नहीं तो हम सुबह दर्शन करेंगे जाके। तो अभी चाय पीने के लिए बैठे हैं। हुआ जीजा जी, अरे बाप रे, कौन वेस्ट कर, दर्शन नहीं होगा कल ही होगा, फिर कल मॉर्निंग में कर लेंगे ना दर्शन। क्योंकि इनकी इनकी एक साली को चाय पीना था। अब पैर सीधा करेंगे तो ऐसे तो पैर सीधा तो नहीं कर सकते ना, चाय पीते हुए तो सीधा करेंगे ना। दादी चाय कैसी है? अभी किसी को भी सुसु पड़ी आई तो भी डायरेक्ट उधर सोमनाथ नहीं होगा, इधर कुछ नहीं होना, लास्ट चेतावनी है। मेरे को क्यों लग रहा है मेरे ऊपर गिराएगा, कटो उधर जा। हम लोग का ही है। हाँ वो खुला वाला लो, खुला हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस, मुझे पता है आपको मैं बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही हूँ, आपको सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही होगी। ये देखिए ये होटल है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, सब काला पीला दिख रहा होगा। हाय गाइस, सत्तू बोल बेटा। हाय गाइस, तो बेट द्वारका तक जाना ना थोड़ा डिफिकल्ट है, कि जो हमने टिकट निकाला था ट्रेन का वो कंफर्म नहीं हुआ है। हमने कर लिया, जय शिव शंभू। बाद में दक्ष प्रजापति ने गुस्से में एक श्राप दे दिया।